हेलो व्यूअर्स, वेलकम बैक। नमस्कार। आज हम चॉकलेट आइसक्रीम बनाएंगे, वो भी बिना गैस जलाए, घर के सामान से बहुत ही इजी तरीके से बनाएंगे। आप देख रहे हैं मैंने यहाँ पे बिस्किट्स ले रखी है। मेरे पास जो भी बिस्किट पड़े थे मैं उसी से बनाऊंगी। अभी इसका पाउडर बना लीजिए। इसी मिक्सी जार में आप डाल दीजिए 1 कप यानी कि 250 मिलीलीटर मिल्क। आप डायरेक्टली पैकेट दूध इसमें यूज कर सकते हैं। अभी डाल दीजिए इसी कप का 1/2 कप मिल्क पाउडर। यहाँ पर मैं डाल रही हूँ 1/2 कप बॉर्नविटा। अभी हम डालेंगे इसमें 1 टेबलस्पून कॉफ़ी पाउडर। कॉफ़ी पाउडर ऑप्शनल है। अभी डालेंगे चीनी 1/3 कप और वैनिला एसेंस 1/2 टीस्पून के करीब। इन सभी को हम 1 से 2 मिनट स्मूथ होने तक ब्लेंड करेंगे। अगर आपके पास बॉर्नविटा नहीं है तो आप इसके बदले 2 चम्मच इंस्टेंट कॉफ़ी पाउडर ऐड कर लीजिए। देखिए मिक्सचर पूरी तरह से परफेक्ट है। आप इसे किसी भी एयर टाइट कंटेनर में भर लीजिए। इसे हम 3 से 4 घंटे फ्रीजर में रख लेंगे। इसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ इसका सेकेंड स्टेप। 4 घंटे के बाद इस मिक्सचर को फिर से मिक्सी में डाल देंगे। बॉर्नविटा के अंदर जो बड़े बड़े चंक्स आप देख सकते हैं, इसे आप उसी मिक्सी जार में इस तरह से खाली मिक्स कर लीजिए। अभी इस मिक्सचर को उसी एयरटाइट कंटेनर में फिर से डाल दीजिए। आप देख सकते हैं आइसक्रीम मिक्सचर कितनी क्रीमी और स्मूथ बनी है। ऊपर से डाल दीजिए बॉर्नविटा की जो बड़े बड़े चंक्स। इसे बंद करके 7 से 8 घंटे फ्रीजर में रख लीजिए। वाओ, 8 घंटे के बाद आप देख सकते हैं आइसक्रीम कितनी बढ़िया बनी है, बिल्कुल क्रीमी। मैंने यहाँ पर 1 कटोरी बिस्किट्स यूज की है। फटाफट से एक लाइक कर दीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, सब्सक्रिप्शन बिल्कुल फ्री है। मेरी वीडियो को शेयर कीजिए और कमेंट सेक्शन में ज़रूर कुछ लिखिए।